What's going on guys, I hope you all are doing great. Welcome back to the channel. और दोस्तों आज दिवाली है, so I would like to wish all of you all a very very happy Diwali. And guys, also I would like to thank all of you क्योंकि हमने अभी 10K subscribers cross कर दिए हैं. Thank you to every single person watching this video. जो आपने मुझे प्यार और support दिखाया है पिछले महीने में, it has been absolutely crazy. So I would just like to thank all of you all for letting this happen. Also guys, आज दिवाली है तो कुछ special photoshoot तो obviously हमको करना ही पड़ेगा. So हम लोग आज वही करने वाले हैं ये video में. But जिसके पहले हम ये photoshoot शुरू करें, because we crossed 10K subscribers, मैं एक special editing your photos का video करने वाला हूँ. मैंने ये पहले भी किया हुआ है, but because we crossed 10K, I thought might as well do it again. तो अगर आपको इसमें participate करना है, तो मुझे इस email ID पे आपके photos भेज दीजिए. इन photos में कुछ photography aspect होना चाहिए, कुछ random portraits नहीं चाहिए मुझे. You know, try to take different pictures. Gear doesn't matter. आप अपना कैमरा भी यूज कर सकते हैं, फोन भी यूज कर सकते हैं. मेक श्योर आप अपने फोटोज सेंड कीजिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के फोटोज में सिलेक्ट करूंगा, आपको ये चैनल पे शाउट आउट भी दूंगा और आपके फोटोज भी एडिट करूंगा. बट ऑब्वियसली वो फ्यूचर में है, आज दिवाली है तो आज हम दिवाली फोटोशूट करने वाले हैं. सो लेट्स हेड आउट एंड स्टार्ट द फोटोशूट. You guys ready? Yes. Let's go. तो गाइज हम फाइनली टेरेस पे आ चुके हैं और जो हम पहली फोटोग्राफी ट्रिक करने वाले हैं उसके लिए आपको आई एम गोना बी यूजिंग फुल जड़ी. एंड ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू प्रमोट कि आप फायर क्रैकर्स बर्स्ट करें, क्योंकि यू नो हम लोग भी टेरेस पे और देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है. सो आई डोंट वांट प्रमोट कि आप फायर क्रैकर्स बर्स्ट करें, बट जस्ट टू शोकेस सम फोटोग्राफी में एक या दो फुलझड़ी का यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट गेट दैट शॉट. ये पर्टिकुलर फोटो के लिए एक ट्राईपॉड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करने वाले हैं, मीनिंग द शटर स्पीड इज गोइंग टू बी वेल ओवर. आपका शटर कुछ 2 से 3 सेकंड के लिए ओपन रहने वाला है. सो टू अचीव द स्टेबिलिटी यू नीड अ ट्राईपॉड. एंड yeah, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी हाउ द पिक्चर्स कम. तो गाइस हम लोग अभी फाइनली पहला शॉट ट्राई करने वाले हैं. मेरे कैमरा यहाँ पे ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है. द शटर इज गोना बी ओपन फॉर अबाउट 3.2 सेकंड्स. हम लोग मैं एक एक्सपेरिमेंटल शॉट पहले ले रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं व्हाट चेंजेस वी नीड टू मेक. ऑल्सो सॉरी फॉर द क्वालिटी, मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा वहाँ पे है और यहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा कम है. सो या लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4. विराट का कार्डियो हो रहा है. कर कर कर. तो गाइस हम लोगों ने फाइनली फर्स्ट शूट लिया, बट दीज वर द पिक्चर्स जो आए हैं. सो ऑल दो जो इफेक्ट हमको चाहिए वो आ रहा है, मुझे लगता है द शटर नीड्स टू बी ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर 3-4 राउंड्स तो चाहिए मुझे जो फुलझड़ी के उसके. सो वी डू वन मोर, बट दिस टाइम यू हैव टू बी स्नेहा सिंह स्टिल. ओके स्नेहा सिंह प्रेटी स्टिल. ओके गाइस अटेम्प्ट नंबर 2, अभी शटर 5 सेकंड्स के लिए ओपन है, लेट्स सी हाउ इट गोस. So guys, अब हम लोगों ने लाइट्स ऑफ कर दिए गाइस, ताकि विराट को वो वाइब आए. वो वाइब मिसिंग लग रहा था फोटोग्राफी में. नहीं यार, यू आर नॉट एट ऑल कूल. गो अवे गो अवे. ओह माय गॉड गाइस, आई जस्ट बर्नड माय सेल्फ. और ओ नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है. सारा नौटंकी. गाइस फाइनली हमारा जो फुलझड़ी के साथ शूट था वो आई थिंक वी हैव गॉट डिसेंट शॉट्स. कुछ शॉट्स थोड़े से अच्छे हैं तो उनको एडिट करके और बेटर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द सेकंड शॉट, इसके लिए मुझे एक्चुअली जो चाइनीज लैंटर्न रहता है मुझे उसका यूज करना था, बट बिकॉज उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और हमको लास्ट मिनट मिला नहीं हम लोगों को. सो वी आर गोना यूज दिस लैंटर्न और उसके अंदर एक फेरी लाइट डाला है, सो इट विल गिव लाइक एज इफ देयर इज अ फायर इनसाइड. और उसके बाद हम लोग एडिटिंग में इसके साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. सो फॉर दैट मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. लोग घर तो आ गए, बट मेरा हाथ जल गया, तो तन्वी मेरे लिए टूथपेस्ट लगा रही है.
because apparently that's supposed to help. Nail na side mo. Ow. गाइज इसी के साथ हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आज के लिए मैंने काफी शूट कर लिया। मैं ये सारे फोटोज कंप्यूटर में इंपोर्ट करूंगा, देखते हैं हमको किस टाइप के रिजल्ट्स मिले हैं। आई रियली हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस, बट लेट्स एडिट देम एंड लेट्स सी हाउ इट गोज लेटर दैट सेम इवनिंग। सीरियस गाइज इसी के साथ आई थिंक आई एम डन एडिटिंग द फोटोज। ये है कुछ रिजल्ट्स जो पहले फुलझड़ी वाले फोटोज थे, इसमें मुझे ये फोटोज अच्छे लगे और मैंने इस तरह से इन्हें एडिट किया है। और जो दूसरा फोटो था जहाँ पे मैंने जो चाइनीज़ लैंटर्न टाइप मैंने कोशिश की थी, उसमें एक्चुअली जो लुक था वो अचीव मैं कर नहीं पा रहा था विदाउट एक्चुअल चाइनीज़ लैंटर्न। सो मैं बाहर गया, मैंने एक चाइनीज़ लैंटर्न खरीदा, लोगों ने ये सिमिलर फ़ोटो वापस लिया कुछ इस तरह से, और मैंने स्काई में और चाइनीज़ लैंटर्न ऐड किए बाय सिंपली फाइंडिंग अ इमेज ऑन गूगल। गूगल पे सिंपली आप टाइप कर दीजिए फ्लोटिंग चाइनीज लैंटर्न पीएनजी, आपको कहीं ना कहीं ये फोटोज मिल जाएंगे। आपको एक ट्रांसपेरेंट फाइल मिल जाएगी, सिंपली अपने फोटो के ऊपर उसे प्लेस कर दीजिए और आपको ये इफेक्ट मिल सकता है। एनीवे आफ्टर द शूट मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई, आई थिंक यू ऑल कैन ऑलरेडी हियर इट। मेरा आवाज़ चला गया, मुझे सर्दी हो गई। Hopefully nothing serious. These are the final results. I am not exactly जैसे expected था वैसे photos मुझे मिले नहीं है, but I think that is the part of doing photography or filmmaking. आपको हमेशा वैसे results नहीं मिलेगी जैसे आपको चाहिए, there's always experimenting. Sometimes you end up getting extremely good shots, कभी कभी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, but इससे जो आपको सीख मिलती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। So इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। एक छोटा सा वीडियो था, हम लोगों ने एक जो छोटा शूट किया उसके ऊपर। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा और करना था, बट माई हेल्थ इज़ नॉट सपोर्टिंग मी अभी। मुझे आई थिंक थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, वेदर भी एक्चुअली बहुत पोल्यूशन की वजह से अच्छा नहीं है। तो बट इसी के साथ गाइज आज का वीडियो खत्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, सो डोंट फॉरगेट वेरी सून हम लोग एक एडिटिंग ऑफ फोटोज़ करने वाले हैं, तो आपकी फोटोज़ सबमिट कीजिए। आई वुड लव टू सी आपके फोटोज़ एंड या आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।